हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रयास गणित की कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारी बख्शिश के सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ओसीआर आधारित आकलन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ पर दी गई संख्या रेखा का उपयोग करके कौन सी संख्या दर्शाई गई है। तो देखिए, यहाँ पर एक रेखा दी गई है जिसमें आपको कुछ संख्याएं दर्शाई गई हैं, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। तो आपको देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या दर्शाई गई है, 0 से 20 जा रही है और 20 से 9 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 9, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 100 अंकों की एक परीक्षा में राहुल ने 96 अंक और अनीता ने 87 अंक प्राप्त किए। अनीता ने राहुल से कितने कम अंक प्राप्त किए? तो यहाँ पर हो जाएगा 96 में से 87 को घटा दीजिए, तो 9 अंक कम प्राप्त किए। हल कीजिए, 36 और 37 को हल करना है यानी जोड़ना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 83, 6 और 7 13, 13 का एक हासिल लगेगा, 4 4 8 हो जाएगा। दिशा के पास 100 रुपये हैं, नेहा ने दिशा से 30 रुपये उधार लिए, बाद में नेहा ने दिशा को सिर्फ 23 रुपये लौटाए, दिशा के पास अब कितने रुपये हैं? तो यहाँ पर 93 रुपये हो जाएगा, क्योंकि नेहा दिशा के पास में 100 रुपये हैं, नेहा ने दिशा से 30 रुपये उधार लिए थे, तो दिशा के पास में अब बचेंगे 70 और बाद में नेहा ने दिशा को सिर्फ 23 रुपये दिए, तो 70 में 23 को जोड़ दीजिए तो 93 रुपये हो जाएगा। निम्न में से शून्य कोने और शून्य भुजाओं वाली आकृति कौन सी है? तो यहाँ पर हो जाएगी वृत्त, ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। दिए गए संख्या कार्ड पर मोती गिनकर बताइए, ए तथा बी खाने में कौन सी संख्या आएगी? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगी 45 और 58। तो ए में 45 हो जाएगा, बी में 58 हो जाएगा, ठीक है। खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर हो जाएगी 54 में ऐसा क्या जोड़ें कि 90 आ जाए? तो यहाँ पर हो जाएगा 36, 90 में से 54 को घटा लीजिए, आंसर आपके पास में 36 बचेगा। संख्या 312 में 3 का स्थानीय मान है यहाँ पर 300, सैकड़ा। दिए गए बंडल में 10 लकड़ियां हैं, इनमें से किस चित्र में 32 लकड़ियां आ रही हैं? तो देखिए 32 में 3 क्या बंडल होना चाहिए, 2 तीलियां अलग से, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है, ठीक है। इनमें से किस में संख्याओं को बढ़ते क्रम में दिखाया गया है, 19, 46, 58, 62, 85, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है। इसी तरह से हम देखेंगे अब आकलन 3 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा चित्र 2 बक्सों के 5 समूह को दर्शाता है? तो 2 बक्सों के 5 समूह है ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पर देखिए 4 के 4 समूह हैं, तो सही निशान बनाना है आपको, कितने समूह हैं यहाँ पर, 4 समूह, ठीक है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे, 25 और 15 को जोड़िए, फिर उसमें 3 जोड़िए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में आंसर, सॉरी 5 और 5, 10 और 5, 15, टोटल कितने हो जाएंगे, 15, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 12 रोटियों को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को रोटी मिलेगी, यहाँ पर 4 रोटी मिलेंगी, 4 × 12। एक कक्षा में 4 पंक्तियाँ हैं, प्रत्येक पंक्ति में 16 विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे, 4 × 16, 64 विद्यार्थी। एक फूलों की क्यारी में 14 पौधे हैं, प्रत्येक पौधे में 5 फूल होते हैं, तो कुल कितने फूल हो जाएंगे, 14 × 5, 70। निम्नलिखित को 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए, यहाँ पर देखिए 6 को 5 बार लिखा गया है, जिससे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 × 5 = 30, टोटल आंसर 30 सही आएगा। 2 को 4 बार लिखा गया है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × 4 = 8। हार में मोतियों के 5 समूह हैं, प्रत्येक समूह में 3 मोती हैं, कुल मिलाकर 15 मोती यहाँ पर आंसर आ जाएगा। हल करना है आपको, 5 को 2 में बांटा गया है, 2 समूह में 5-5 को गेंदों को बांटा गया है, तो यहाँ पर टोटली हो जाएंगी 5 × 2 = 10। अब देखिए यहाँ पर 3 समूह में बांटा गया है 4-4 के फूलों को, तो 4 × 3 = 12 टोटल फूल हो जाएंगे। इसी तरह से त्रिभुज की आकृति एक पतंगा की आकृति है, यहाँ पर जो फ्लैग लगाए जाते हैं डेकोरेटिव, तो देखिए 4 समूह हैं जिसमें 5-5 फ्लैग हैं, सॉरी 6-6 फ्लैग है, तो टोटल फ्लैग की संख्या हो जाएगी 4 × 6 = 24। तो ये डन होता है आकलन पत्रक 3 और OCR आधारित आकलन का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे के कार्यपत्रक के सॉल्यूशन और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखते रहेंगे, तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।